वगैरह बनाने लगे हैं एक ही वीडियो में। हमने ना अपने चॉपर में अच्छी तरह से ये कीमा है उनका, उसके बड़े मजे के ना बनते हैं कबाब वगैरह। तो ये हमने ना धो के गोश्त को अच्छी तरह से साफ करके तो हमने ये कीमा बनाया चॉपर में। तो अब हम इसके अंदर हमने दो दो प्याज लेके तो वो कद्दूकस करके उनका पानी निकाल के वो डाले हैं। सब्ज मिर्चे साथ ही ग्राइंड कर ली थी चॉपर में, चॉप कर ली थी। ये हमने सुरख मिर्च डाली है 2 चम्मच, बस आज ये धनिया पाउडर डाला है, नमक डाला है अंदर, और बाकी हल्दी डाली है 2 चम्मच। तो अब हम इसके अंदर ये जो बाबू का मसाला होता है ना कोफ्ते वगैरह का, वो हमने थोड़ा सा वो इसके अंदर ऐड किया है। तो धनिया पाउडर वो तो उनका वो अदरक और लहसुन का, ये देखिए ये लहसुन लहसुन का पाउडर है। ये हम 2-1.5 चम्मच ये डाल देंगे इसमें। ये अदरक पाउडर है, ये डाल दिया हमने इसके अंदर। ये अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। बेसन भी डाल रहे हैं। बेसन डाल। ये 2 डंडे हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। ये ना ये रोस्ट कर लिया था हमने बेसन, तो ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं। इससे ना ये जुड़ जाएंगे। ये अब हम इनको ना मिक्स कर लेते हैं। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। थोड़ा सा नमक कम था तो हमने और डाला है थोड़ा सा। तो आप ना अपने हिसाब से, मतलब जितनी आपके पास इतनी क्वांटिटी में आपके पास चीज़ है उस हिसाब से आप नमक वगैरह चेक कर लें। ये देखिए ये हम कोफ्ते बनाए हमने, ये देखें। आप सब लोग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। यार आज हम ना कोफ्ते अंडे और आलू का सालन बनाने लगे हैं। ये हमने 2 बड़ी वाली प्याज ली है, इसको रफली चॉप कर लिया हमने, और ये हमारे पास कोफ्ते हैं। तो ये इसकी रेसिपी आपको मतलब बता देंगे। तो ये टमाटर है 3-10, ये भी हमने कट कर लिए हैं, और ये सब्ज़ मिर्ची है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और दही वगैरह वो बाद में ऐड होगा। ये हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये ऐड कर दिए हैं। ये 2 चम्मच नमक हम इसमें ऐड कर रहे हैं।
ये 2 चम्मच हमने लाल मिर्च, हल्दी, एक चम्मच टेबल स्पून, ये हम धनिया पाउडर हमने शामिल कर दिया। अब हम इसको ना 5 मिनट के लिए तकरीबन ना वेट लगा देंगे, बाकी का बाद में करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया अंदर, करवा दिया। अब हम आयल हम डालने लगे, ये 3 डोइयां हम इसमें आयल की डाल देंगे भर के। हम स्पेस जीरा इतना इसमें ऐड कर देंगे सारे स्पेस जीरा, ये हमने दही फेंटी हुई है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये अब हम ना इसके अंदर कोफ्ते डाल देंगे, ये क्योंकि कच्चे हैं तो मतलब साथ ही मसाले के ना ये हो जाएंगे, इसको हम दम लगा देंगे 5 मिनट के लिए, ढक्कन दे देंगे ऊपर तो ना ये फिर इसको हम का भी पता रहेगा क्योंकि इनको भी मतलब ये भी पक चुके होंगे कुछ। ऐड किया पिसा हुआ, उससे ना खुशबू अच्छी आती है, ये देखें ये हमने सब्ज़ मिर्ची इसके अंदर ऐड कर दी। ये हमारे कोफ्ते भुन रहे हैं, भुने जा रहे हैं, बुनाई हो रही है कोफ्ते, मसाला भी साथ मतलब चले। अब बोले मास्टर शेफ कम हियर, जल्दी आए अपने व्यूअर्स को अगला नेक्स्ट प्रोसेस बताएं। ये देखें सब्ज़ मिर्ची हमने डाल दी और अब हम इसकी बुनाई कर रहे हैं। ज़ैनब मुझे कहती है कि अम्मी आप ऊंचा नहीं बोलती, आप हल्की आवाज़ में बोलती हैं, तो मैं तो अपनी तरफ से ऊंचा ही बोलती हूँ, पता नहीं फिर मेरी आवाज़ क्यों दब जाती अंदर कैमरे के अंदर, तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि ऊंचा ही बोलूँ, ऊंचा बोलूँ ताकि सब तक मेरी आवाज़ आ जाए और सब हमारी वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं, इसलिए मेरी तो यही कोशिश है। थोड़ा सा कर लूँगी तो ये मैं डाल रहे हैं, ज़्यादा ही हो गए हैं तकरीबन, चलो कोई बात नहीं, आलू भी शौक से खाते हैं, कोई तो अच्छी आएगी लुक। वैसे ना आप जैसे भी खाना चाहे, कई लोग ना पहले फ्राई कर लेते हैं कोफ्तों को, लेकिन ये भी मतलब अंदर रख दिए मसाले के, तो ज़ाहिर है घी भी डला हुआ था तो वो सारा कुछ ही हो गया, फ्राई भी हो गया, डबल डबल करने की बजाय ना मैंने एक दफ़ा ही कर लिए।
ये देखे व्यूवर्स, ये हमारा मतलब सारा मसाला तकरीबन भुन चुका है। अब हम इसके अंदर ना पानी ऐड करने लगे हैं, तकरीबन एक गिलास ना, एक डेढ़ गिलास के करीब ना हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये पानी ऐड कर दिया हमने, अब हम इसको ना 5 मिनट ना वेट लगाएंगे। ये हमारे कोफ्ते भी अच्छी तरह से गल जाएंगे और आलू भी। तो फिर बाद का प्रोसीजर हम आपको दिखाते हैं। धनिया नहीं था तो हमने ना कसूरी मेथी डाल लिया, इसकी भी खुशबू बड़ी अच्छी आती है कसूरी मेथी की, सालन का जायका ही और हो जाता है। ये तो अब हम ना इसके अंदर गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये 30 अपनी स्टिक्स और दो ही साइड पे कर लें, कैमरे में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से हमारा सालन, आलू कोफ्ते, अंडे भी हम इसके अंदर ही ऐड कर देते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे आलू कोफ्ते अंडे रेडी हैं, तो हम अब इसको डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको व्यूवर्स, आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है, ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी जो नई वीडियोस का पता चल सके। ओके।